ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है नेशनल मीडिया के साथ दिल्ली में, इसमें आप सबका स्वागत है। आज बहुत ठंडा दिन है, आप सबको नए साल की मुबारकबाद दी। आप समझिए यहाँ जितना ठंडा है तो वहाँ सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, शाहजहांपुर बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे खुले मैदान में कैसी स्थिति होगी आप सोचिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो शामिल होने वाले साथी हैं उनका मैं परिचय करवा दूं। मेरे साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल जी हैं, आप भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के साथ जुड़े भी हुए हैं, आप फरीदकोट पंजाब से। उनके साथ दर्शन पाल जी हैं, दर्शन पाल जी क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से भी जुड़े हुए हैं। उनके साथ पंजाब की और देश के सबसे वरिष्ठ किसान नेताओं में से एक बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं, आप भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के अध्यक्ष हैं और जब देश में पहली बार भारतीय किसान यूनियन बनी थी सन 1978 में हैदराबाद में, तब उसके फाउंडिंग नेशनल सेक्रेटरी भी थे। उनके साथ गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, आप भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष हैं, हरियाणा में शाहबाद अकंडा से हैं और 1992 से इस देश के किसान आंदोलन में सक्रिय रहे हैं। उनके साथ हमारी सात सदस्यीय समिति के कॉमरेड हनन मौला की जगह के हनन मौला जी हमारे पास आज यहाँ पे नहीं है क्योंकि एक पारिवारिक काम से अर्जेंटली उन्हें जाना पड़ा है कलकत्ता, तो वो अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं हनन मौला जी। उनके स्थान पर हमने अनुरोध किया अशोक भवले जी से, आप महाराष्ट्र से हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक भवले जी। उनके साथ बैठे हैं शिव कुमार कक्का जी की जगह पे, शिव कुमार कक्का जी सात सदस्यीय समिति के सदस्य हैं, शिव कुमार कक्का जी मध्य प्रदेश के हैं और राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष हैं। उन्हें किसी व्यक्तिगत काम से भोपाल जाना पड़ा तो उनकी जगह पे अखिल भारतीय किसान महासंघ किसान मजदूर महासंघ के यूथ विंग के अध्यक्ष भाई अभिमन्यु कोहाट उनके साथ हैं। हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं कीर्ति किसान यूनियन के राजेंद्र सिंह जी और मैं योगेंद्र यादव, यहाँ जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में पिछले 2015 से जय किसान आंदोलन देश में काम कर रहा है और क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल को बहुत दिलचस्पी रहती है, मैं बता दूं कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले के सारंगवास गांव में 4 एकड़ का किसान। तो वार्ता को शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं बलबीर सिंह राजेवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो सरकार के साथ जो वार्ता हमारी हुई है उसके बारे में कहां हम खड़े हैं वो बताएं। ये काम कर रहा है सर? अच्छा ठीक, वैसे ये भी लेंगे, ये देखो ये ठीक बेहतर रहेगा। नमस्कार भाई, अभी तक जितनी वार्ता सरकार के साथ हुई किसान संगठनों की उसमें जो जो दुष्प्रचार सरकार कर रही है ये कानूनों के बारे में, हमने एक एक उस प्रचार को गलत साबित किया। उनका कहना है कि बहुत बड़ी किसान की सेवा की है, हमारा कहना था किसने मांग की थी, और उनका कहना है कि हमने एक देश एक मंडी बना दी, हमने कहा आपने एक दो देश दो मंडियां बना दी, और उनका कहना है कि हमने बिचौलिया हटा दिए, हमने कहा बिचौलिए की डेफिनेशन बताइए, बिचौलिए रखने का तो आपका स्वभाव है, हमारी मार्केट में तो बिचौलिए है नहीं, जिसको आप बिचौलिया कहते हैं वो तो सर्विस प्रोवाइडर है, जितना भाव लगता है उतना ही क्लेम करके हमें वापस पे करता है, जो सर्विस देता है उसका वो कमीशन लेता है। एक एक बात का हमें
हमने उनका जवाब दिया और उनके पास कोई जवाब नहीं। और इससे भी आगे हमने उनसे कहा कि कृषि स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें आप दखल नहीं दे सकते, स्टेट लिस्ट में ये 14 नंबर पर दर्ज है। उन्होंने कहा हमने ये ट्रेड के लिए कानून बनवाया, हमने कहा कि हम ट्रेड करते ही नहीं, हम तो अपनी फसल मार्केट करते हैं, मार्केटिंग इज अगेन ए स्टेट सब्जेक्ट। तो उन्होंने कहा जी हमने कंकरेंट लिस्ट से 33 नंबर आइटम उठा के ये कानून बनाए हैं। तो हमने कहा जी हम तो फूड ग्रेन पैदा करते हैं, फूड स्टफ पैदा ही नहीं करते, वीट इज फूड ग्रेन, आटा इज फूड स्टफ, पैटी इज फूड ग्रेन, राइस इज फूड स्टफ। आप फूड स्टफ पे कानून बना सकते हैं लेकिन फूड ग्रेन पे तो बना नहीं सकते, आपने ये स्टेट सब्जेक्ट में दखल क्यों दिया? तो अब सरकार पे के पास जवाब कोई है नहीं, इधर उधर का दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि जितनी देर तक ये कानून आप रिपील नहीं करते उतनी देर तक हम बैठे हैं। और बड़ा साफ स्पष्ट कह दिया है कि वी वर पीसफुल, वी आर पीसफुल, वी विल बी पीसफुल, यह हम गारंटी देते हैं। पिछले 3-4 महीने से पहले रेलवे लाइंस पे बैठे थे, अब यहाँ आके बॉर्डर्स पे बैठे हैं, हम पीसफुल रहे हैं, एक पत्ता तक नहीं तोड़ा, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, बल्कि हम अपने दिल्ली के भाइयों को बार बार बुलाते हैं। कल नया साल था, हमने कॉल दी कि आइए हम सब इकट्ठे मिलके नया साल मनाएं। तो सरकार हठधर्मी में फंसी हुई है, ईगो प्रॉब्लम हो गई है सरकार को कि अगर उनको ये कानून वापस लेने पड़ते हैं तो बहुत शायद उनकी फजीहत होगी, इसलिए फंसी हुई है सरकार। और हमने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जब तक आप ये कानून वापस नहीं लोगे उस वक्त तक हम पीसफुली बैठे रहेंगे। और पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से किसान दिल्ली के इर्द गिर्द के किसी न किसी नाके पे बैठे हैं, बाकी देश के हर कैपिटल में या कहीं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जगह जगह पे किसान सारे देश में इसका विरोध कर रहे हैं। जब भी यहाँ से कोई कॉल जाती है सारा देश उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और सारा देश परेशान है सरकार के ये इन कानूनों से। इन रियल सेंस वो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, जो हम नहीं होने देंगे, इसलिए हमारा ये आंदोलन जारी है और जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होते। अब डॉक्टर दर्शन पाल, डॉक्टर दर्शन पाल, आप क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष और सांसद सदस्य कमेटी के मेंबर भी हैं और आपने इस पूरे आंदोलन के दौरान हर जगह आपको तो देखा होगा। यही दे दो, यही दे दो, ये भी ले लो, आ ले लो, आ ले लो। मैं इस आंदोलन में आज तक जो हुआ उस पर नहीं जाता, वो सब पता है आपको। इस आंदोलन में दिल्ली के इर्द गिर्द 5 नहीं 6 नाके लगे हुए हैं और देश भर में 100 के करीब पक्के धरने चल रहे हैं, ये एक जानकारी के लिए। अभी हमारा बातचीत का एक दौर हुआ, 4 तारीख को फिर बातचीत है, 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। सो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 6 तारीख को अगर हमारी वार्ता फेल हो जाती है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हमारे पक्ष में नहीं होता है, 6 तारीख को हम सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर जो हैं उसको केएमपी पर चढ़ाएंगे और केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च होगा। जो ये 26 जनवरी की एक तरह की परेड की वो होगा, उसकी एक तरह का रिहर्सल परेड होगी वो 6 तारीख को। इसके बाद 6 तारीख को बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा जयपुर वाला जो नाका है, वो जयपुर के इंचार्ज भी बैठे हैं यहाँ, 2 या 3 दिन के भीतर ही हम उस नाके को जो शाहजहांपुर है
वो लोकल कमेटी डिसाइड करेगी, संयुक्त किसान मोर्चा उस पर स्टैंप लगाएगा और उस मोर्चे को भी हम आगे लाएंगे, उसकी डेट हम अपनी मीटिंग में डिसाइड करके उसका अनाउंसमेंट करेंगे। और 6 से लेकर 20 तक एक पूरा पखवाड़ा देश में हम कॉल दे रहे हैं कि उस कॉल के अनुसार पूरे देश में किसानों के इस आंदोलन के पक्ष में बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े प्रोटेस्ट प्रोग्राम और पक्के धरने, जो भी तरह के लोग वहां के अलग अलग प्रांतों के करेंगे, उसको एक हमने यहां से सेंट्रल कॉल दिया है कि पूरे 15 दिन जो हैं वो भंडा फोड़ अभियान, जन जागरण अभियान किसानों के पक्ष में, पूरे देश में वो किसान जो किसानों के पक्ष में एक 15 दिन का पूरा एक मूवमेंट चलेगा। इसके साथ ही 23 तारीख को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, 23 जनवरी को, तो हमने फैसला किया है कि 23 जनवरी को पूरे देश में हमने कॉल दिया है लोगों को कि बड़े बड़े प्रोग्राम करके गवर्नर हाउसेज जो हैं, गवर्नर हाउसेज की तरफ मार्च करो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिंबल हैं, आइकन हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो प्रांतों में गवर्नर्स हैं। और इसके साथ ही हमने तय किया है कि 26 जनवरी इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, पूरे देश में किसान अपनी अगुवाई के तले उस गणतंत्र दिवस को अपने ट्रैक्टर और व्हीकल परेड करके उसको मनाएंगे। 26 जनवरी को हमारा काल है कि दिल्ली के इर्द गिर्द जितने भी नज़दीक के सिटीज हैं वो आए, 25 तक यहाँ पहुँचे और 26 को दिल्ली में हमारे ट्रैक्टर फ्लैग्स लगा के दिल्ली में परेड करेंगे। जो KMP की परेड है, रिहर्सल परेड है, ऐसी और भी परेड्स अलग अलग जगह होंगी, लेकिन फाइनल परेड 26 को दिल्ली में होगी। और पूरे देश में काल है, पूरे देश में जिस प्रांत में कम ट्रैक्टर हैं वहाँ ट्रैक्टर के साथ व्हीकल मार्च, और जहाँ ट्रैक्टर ज़्यादा है ट्रैक्टर व्हीकल मार्च, और वो मार्च को हमने दिया है नाम के सिटी स्टेट का कैपिटल में और डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स में, सारे देश में ट्रैक्टर किसान परेड के नाम से पूरा देश ये 26 जनवरी को किसानों के पक्ष में, 26 जनवरी को संविधान दिवस के ऊपर पूरे देश में हमारे जो लोग हैं एक जन जागरण का क्लाइमैक्स में वो जो है एक करेंगे, परेड करेंगे। इसके साथ ही 18 तारीख को ही जनवरी को हमने कॉल दिया है कि महिला किसान दिवस में, क्योंकि बहुत सारे हमारे बॉर्डर्स के ऊपर महिलाएं आ रही हैं, उनका ये डिमांड भी है कि इसको सेंट्रल काल दो, ताकि पूरे देश में उस दिन महिलाओं जो किसानों के पक्ष में और किसान हैं, पूरा महिला किसान दिवस के रूप में 18 तारीख को एक कॉल दिया है। सो 26 तारीख तक का ये कॉल है, ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये प्रोग्राम्स हमने दिए, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद। आप गुरनाम सिंह चलूनी जी, आप MSP के बारे में क्या पोजीशन है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है उसके बारे में स्थिति। सभी मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका एक मकसद ये भी है कि सरकार जो भ्रम फैला रही है उस भ्रम को दूर करना, ताकि किसान का पक्ष पूरे देश में आपके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से जाए। सरकार बार बार बयान दे रही है कि किसानों ने अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है, हम तो इनको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, MSP तो हम देंगे ही, ये तो हम लिख के देने के लिए तैयार है, और लोगों को ऐसा लगता है कि शायद अब तो किसान ही गलती पाए। लेकिन आपको बता दें कि हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी के आगे सवाल किया था कि क्या आप MSP पर, जो आप MSP के ही फसलों का तय करते हैं,
क्या तो फिर आप देश को क्यों गुमराह कर रहे हो कि हम तो एमएसपी तो हमने तोड़ा ही नहीं, एमएसपी तो हम देंगे। तो साथी इस पे हम ये समझाना, देश को क्यों गुमराह कर रहे हो कि हम तो एमएसपी तो हमने तोड़ा ही नहीं, एमएसपी तो हम देंगे। तो साथी इस पे हम ये समझाना देना चाहते हैं कि एमएसपी देना और चीज है और एमएसपी पर खरीदना और चीज है। एमएसपी देने का मतलब है एमएसपी तय करना और खरीदने का मतलब है तो उस पर वो सारी फसलें खरीदेगी। जो आज का आंकड़ा सामने आ रहा है वो आप देखिए, पूरे देश में उन्होंने एक क्विंटल मक्का नहीं खरीदा और पूरे देश का जो मक्के का रेट रहा वो 800 से और 400 रुपए के बीच बिका और एमएसपी मक्के का 1850 रुपए। बल्कि यहां तक हुआ कि हरियाणा में कह के मक्का बिकवाया गया कि आप बीजिए हम 7000 रुपया अलग से भी देंगे, कुछ नहीं किया गया। और ऐसे ही पूरे देश के जो आंकड़ा निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि पिछले 15 साल में पैंतालीस लाख रुपया एमएसपी से कम हमें मिला। यानी अगर आज का हिसाब लगाएं आज के टाइम में 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच पर साल एमएसपी से कम मिलता है किसानों को और ये हमारा अधिकार है। ये नहीं है कि ये हम कुछ अलग से मांग रहे हैं, ये हमारी कोई एक्स्ट्रा मांग है, एक्स्ट्रा मांग नहीं है। ये तो सरकार एमएसपी 1967 से लेके तय कर रही है, लेकिन तय कर रही है केवल खरीद उस पर नहीं रही है। तो ये एक बड़ा घाटा जो किसान देश के किसान को जा रहा है, जिसके लिए हम मांग कर रहे हैं कि इतना घाटा देश के किसान को हर साल एमएसपी की वजह से हो रहा है, ये हमारा अधिकार है। जो सरकार के नियम ना होने की वजह से हम लुट रहे हैं, उस पर एक नियम बनाए, एक कानून बनाए कि चाहे प्राइवेट खरीदे, सरकार खरीदे, कोई खरीदे, लेकिन हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी जेब में जरूर जाना चाहिए। और उससे सरकार टाल मटोल कर रही है, उसके ऊपर कोई उन्होंने जवाब नहीं किया कि उन्होंने कहा कि हम कमेटी बना देंगे, कमेटी के नाम से वो टालना चाह रहे हैं, जो हमने अभी तक नामंजूर उस पर कर दिया है कि कमेटी हमें मंजूर नहीं है और इस पर तो कोई ज्यादा लंबी छोटी बहस की जरूरत नहीं है। एक हमारा अधिकार है जो कानून आपने पहले से जो एक तरह से आपका नियम है उसको एक कानूनी रूप देना है, बस इतना सही है। एमएसपी तो आप पहले से तय करते हैं, तो उसके लिए भी वो राजी नहीं हुए हैं। और वो कहते हैं हमें खजाना देखना पड़ेगा, देश का खजाना, देश का खजाने में बहुत बोझ पड़ेगा। तो लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब किसान का नाम आता है तब देश का खजाना याद आ जाता है। हालांकि हमारी 60% आबादी है देश की, जिसपे उनको प्रॉब्लम आती है खजाने में। जब कहीं पिछले साल 5 लाख करोड़ निकाल कर उन्होंने बांट दिया देश के कारपोरेट को, पिछले साल और अभी तक 15 लाख करोड़ का देश का एनपी हो चुका है, जो पूंजीपतियों का है उसको वसूलने कोई इंतजाम नहीं किए। तो मतलब जब किसान का नाम आता है तब उनको दिक्कत आती है। तो एमएसपी पे हमारा स्पष्टीकरण ये है, कुल मिला के स्पष्टीकरण ये है कि हमारा जो उत्पाद है आज के टाइम में 3 लाख करोड़ से 4 लाख करोड़ के बीच हमें नुकसान हो रहा है, जो हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार उसको लूट रही है और नहीं दे रही। इस आंदोलन में भी अभी तक उस पर उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, अभी तक वो बात नहीं बन गई। धन्यवाद। आप श्री जगजीत सिंह दल्लेवाल जी पंजाब से, भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के अध्यक्ष। पत्रकार दोस्तों, जैसे रज्जेवाल जी ने, दर्शनपाल जी और भाई गुरनाम जी ने आपको बहुत देर से कुछ बातें बता दी हैं, मैं उनसे अलग थोड़ी एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है ये बड़ा स्पष्ट है कि ये जो कानून सरकार लेकर आई है इन कानूनों को वापस
करवाने के लिए लड़ा जा रहा आंदोलन है और एमएसपी का गारंटी का कानून बनाने के लिए ये आंदोलन है। और जो इसके पैरेलल बात चल रही है, मैं उस बात पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ कि ये आपने सभी ने देखा है, पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने देख लिया कि ये आंदोलन पूरी तरह पीसफुली चल रहा है, कहीं पे भी कोई ऐसी वैसी घटना आज तक नजर नहीं आई कि जिससे ये कह सके कोई कि ये आंदोलन हिंसक हो गया है, ये वायलेंट कर रहे हैं, वो ऐसी बात इनको नजर नहीं आई। लेकिन एक बात आपने बहुत जोर शोर से प्रचारित होती है और सरकार के बड़े बड़े नेता ये कहते सुने होंगे कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये माओवादियों का आंदोलन है। एक बार ये भी कहा कि केवल पंजाब के लोगों का आंदोलन है, फिर ये कहना शुरू किया कि ये केवल पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, फिर ये कहना शुरू किया कि ये केवल उत्तर भारत का आंदोलन है, चाइना पाकिस्तान। तरह तरह के इन लोगों ने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए यत्न किया और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी पत्रकार भाइयों का, आपके मीडिया वालों का, आपने उस बात को अच्छी तरह, हमारी बात को लोगों के सामने लेकर गए और आपके माध्यम से ये बात उनकी जो वो झूठ बोलकर ये कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है, उस दिन आपने ये क्लियर कर दिया कि नहीं, कहीं ना कहीं इसी आंदोलन के दौरान टिकरी बॉर्डर पे पूजा की गई है देवी देवताओं की, जो हिंदू धर्म से बिल्कुल मिले हुए हैं, उन वो हुआ वहां पे, तो वो उनकी वो बात आप लोगों ने स्पष्ट कर दी कि ये नहीं, ये खालिस्तानी नहीं है, यहाँ पे पूजा पाठ करने वाले दूसरे लोग भी बैठे हैं, कहीं पे वो भी आप ही के माध्यम से दिखाया गया कि इस आंदोलन के पक्ष में नमाज पढ़ी गई, वो भी आपने दिखाया, वो उनका उस बात को आपका मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने वो क्लियर कर दिया कि ये सब आंदोलन के कार्य जो ये यहाँ पे हिंदू भी हैं, यहाँ पे मुसलमान भी हैं, यहाँ पे सिख भी हैं, यहाँ पे ईसाई भी हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। जो इन्होंने पूरे जोर से ये कहा, मैं आपके माध्यम से सरकार के पास ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, ये कह रहे थे कि ये अभी उत्तर भारत तक ये बात लेकर आ चुके हैं कि ये केवल उत्तर भारत का आंदोलन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बिहार में अगर लाठीचार्ज किया सरकार ने, वो किस पर किया है? वो किसान नहीं थे क्या? किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया सरकार ने, सभी आपके सामने है, आपके माध्यम से हमें भी पता चला। तो अब ये उत्तर भारत की बात नहीं रही है, हैदराबाद में बहुत बड़ी रैली हो चुकी है, तमिलनाडु में बहुत बड़ी गैदरिंग हो चुकी है, वहां से ये आंदोलन चल रहा है, कर्नाटका में हमारे इस आंदोलन के समर्थन में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन अब केवल भारत का नहीं रहा, अब तो ये आंदोलन भारत से बाहर जाकर पूरे हिंदुस्तान की इस आंदोलन के सपोर्ट में वर्ल्ड खड़ा नजर आ रहा है। बाहर के लोग यहां तक कि हमारी माननीय यूएनओ ने भी हमारी सरकार को फिटकार लगवा दी है कि आप क्या कर रहे हो, ये कैसा काम हो रहा है भारत में। तो मुझे लग रहा है कि ये इनकी जो बातें हैं, मैं सिर्फ यही बताना चाहता था कि ज्यादा समय नहीं लेना, कि ये आंदोलन अब देश का नहीं रहा, पूरे वर्ल्ड में बैठे जो भारत के लोग हैं सभी का बन चुका है और सरकार को इस बात को जितनी जल्दी हो सके हमारी इन मांगों को मान लेना चाहिए, नहीं तो सरकार को ये जरूर होगा कि ये जन आंदोलन बनता जा रहा है और इस आंदोलन की और भी कई तरह के रूप होते हैं, सरकार को कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल नुकसान उठाना भी पड़ सकता है अगर ये, लेकिन हमारा निशाना केवल किसानों की मांगे लेना है। यहाँ पर हम फिर से क्लियर कर दें, हमारा आंदोलन का निशाना केवल किसानों की मांगे लेना है और सरकार जितना इसको लंबा खींचने का प्रयास कर रही है, इस आंदोलन में तरह तरह के शरारती तत्व भेजे जा रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि अगर लंबा खींचेंगे तो ये आंदोलन
ऐसे ही कैसे बिखर जाएगा। लेकिन दूसरा रूप ये भी है कि अगर लंबा खींचेगी सरकार तो इस सरकार को इसका पॉलिटिकल नुकसान भी हो सकता है। सरकार को इस बात को ध्यान रखना चाहिए और सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए जल्दी, क्योंकि सरकार के खिलाफ अब पूरा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड खड़ा हो रहा है। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक भवले। मेरे सभी पत्रकार साथियों, ये जो आंदोलन का आज 38वां दिन है और इस आंदोलन के तहत 50 से ज्यादा हमारे किसान साथी ये शहीद हुए हैं दिल्ली के इर्द गिर्द। आज सुबह न्यूज आई गाजीपुर बॉर्डर से कश्मीर सिंह नाम के उत्तराखंड के किसान रामपुर के, इन्होंने आत्महत्या आज सुबह की और सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि मेरे इस आत्महत्या के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। ये इतने दिन से 50 हमारे साथी शहीद होने के बावजूद सरकार जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो मान्य करने को तैयार नहीं है। इसकी हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बहुत ही कड़ी निंदा हम करना चाहते हैं। आज हमारे जो तीनों मांगे हैं उनमें से ये तीनों कानून जो किसी भी किसान संगठन ने कभी मांगे नहीं थे थोप किए गए। दूसरा, जो MSP का गारंटी देने वाला और खरीद की गारंटी देने वाला लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम, ये कानून बनना चाहिए। बिजली बिल ये वापस लेना चाहिए और ये क्लीन एयर ऑर्डिनेंस के बारे में, खैर उसके बारे में कुछ बात हुई है। ये तीनों मुद्दे जब तक सरकार मान्य नहीं करती तब तक ये आंदोलन बिल्कुल पीछे नहीं लिया जाएगा। ये संयुक्त किसान मोर्चा का पूरी तरीके से ये मत है। इस आंदोलन की सही शक्ति आज ये है कि पूरे देश के किसान इसके अंदर जुटे हैं, सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी भाषा बोलने वाले, और हमारे पंजाब के बहादुर किसान, हरियाणा के बहादुर किसान और उसके साथ में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी उसके अंदर। लेकिन सिर्फ उतना नहीं, महाराष्ट्र से हजारों साथी, जिस राज्य से मैं आता हूं, हजारों हमारे किसान नासिक से निकले और 25 दिसंबर को हम शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे। पूरे देश में बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, सब जगह में ये आंदोलन जारी है और ये है इस आंदोलन की ताकत, जिसकी वजह से सरकार उसको कुचल डालना नामुमकिन बात है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, इस आंदोलन ने एक बात पूरे देश के सामने स्पष्ट किया है कि पिछले 6 साल से और खास तौर पर ये किसान कानून जो बनाए, ये पूरी तरीके से इस देश को कुछ चंद कॉरपोरेट घरानों के लिए, ये पूरे देश को आज मोदी सरकार चला रही है। ये इक्वेशन पूरे देश भर में अभी फिट बैठा है, लोग जानने लगे हैं। ये कानून हो, कृषि कानून हो, जो मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड हो, ये इसी सितंबर के पार्लियामेंट सेशन में पास हुए, ये सभी बड़े बड़े देशी और विदेशी कॉरपोरेट के दबाव पर आज ये पूरा सरकार चल रहा है, ये बात पूरे देश में गई है। केरल में 2 दिन पहले केरल की असेंबली ने एक प्रस्ताव एक मत के साथ पारित किया कि ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। हम दरख्वास्त करते हैं सभी असेंबली को कि अगर आप जनता के साथ में है, किसानों के साथ में है, तो हर असेंबली में इस प्रकार के ये प्रस्ताव पास करने चाहिए कि हम किसानों के साथ में है और ये कानूनों को वापस लेना चाहिए, MSP का ये होना चाहिए। आखिरी बात साथियों मैं कहना चाहता हूं, पिछले 25 सालों में ये नव उदारवादी नीतियों के चलते आज 4 लाख से ज्यादा किसानों ने हमारे देश में आत्महत्या की है। ये हमारे फिगर नहीं है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े हैं जो मैं कह रहा, 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है कर्जे की वजह से, और इसको अगर रोकना है तो आज ये जो एमएसपी वाला कानून है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा में भी धान और गेहूं को छोड़ के सरकार की खरीद नहीं होती है, दूसरे जगह में तो कुछ नहीं होती है कई राज्यों में। तो इसलिए अगर ये किसानों की आत्महत्या को बचाना है, उसको रोकना है, और ये कृषि संकट को अगर रोकना है, तो हमारा सबका स्पष्ट मत है कि ये कानून को तो रद्द करने ही चाहिए, लेकिन एमएसपी 1.5 गुना दाम डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने जो बताया था लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम, इसको लेकर ये खरीद और एमएसपी ये दोनों का गारंटी देने वाला कानून इस सरकार ने बनाना चाहिए, ये हमारा स्पष्ट मत है। हम ये इस पूरे इसके अंदर आप सभी ने हमारा जो संदेशा है पूरे देश का काम लेके गए, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार का समर्थन आप हमको आगे भी देते रहेंगे, ये पूरे विश्वास के साथ यहाँ चरण शब्द में पूरे करता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के यूथ विंग के अध्यक्ष भाई अभिमन्यु कुहार, सभी पत्रकार बंधुओं का हाथ जोड़ के नमस्कार। पत्रकार बंधुओं, हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री शिव कुमार चटका जी जो 2 तारीख से पलवल बॉर्डर में मध्य प्रदेश के किसानों के साथ बैठे हुए हैं, उनको कल किसी कारणवश जबलपुर जाना पड़ा, उनके बड़े भाई की तबीयत बहुत सीरियस है, तो उनकी जगह पे मैं छोटी छोटी 3 बातें रखूंगा। जो ये आंदोलन है, ये आंदोलन सच बनाम झूठ का आंदोलन है, ये आंदोलन न्याय बनाम अन्याय का आंदोलन है, ये आंदोलन सही बनाम गलत का आंदोलन है, ये आंदोलन देश को बचाने वाले बनाम देश को बेचने वालों का आंदोलन है। आज के दिन देश का अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी बात पे विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसानों को इतनी बार ठगा गया है, इतनी बार उनसे झूठ बोला गया है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी जब मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने तो C2+50% के अनुसार फसलों का एमएसपी दे दिया है, जबकि हकीकत यह है जो सभी मीडिया के बंधुओं ने जिसको प्रमुखता से कवर भी किया कि इसी सरकार ने फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रमन्ना और जस्टिस मुखोपाध्याय की बेंच के सामने ये हलफनामा दिया था कि सरकार C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी नहीं दे सकती है। तो बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी इतने जिम्मेदार पद पे बैठ के इतनी गलत बातें कह रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लगभग 55 अन्नदाता इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो प्रधानमंत्री ने और ना ही उनके सरकार के किसी मंत्री या अधिकारी ने उन किसानों के प्रति संवेदना जाहिर की है, ना ही उनको किसी ने श्रद्धांजलि दी है। अभी जो 31 तारीख को बैठक हुई थी तो हमारे सभी सीनियर नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि इस बैठक की शुरुआत उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देकर की जानी चाहिए। उसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह कहा कि जो किसान इसमें हताहत हो गए हैं उनको लेकर उन्हें दुख है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अन्नदाता शहीद हो गए हैं हमारी सरकार उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रही है और उनको उनके लिए हताहत शब्द का इस्तेमाल कर रही है। तीसरी और अंतिम बात यह मैं कहना चाहूंगा कि जब से हमारे सभी सीनियर नेताओं के नेतृत्व में यह आंदोलन खड़ा हुआ तो पहले सरकार ने इस आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास किया, हमें आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, हमारे ऊपर फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाए, लेकिन सरकार के उन सभी आरोपों की पोल खुल गई। उसके बाद सरकार ने यह किया कि कुछ जो दरबारी और सरकारी जो किसान संगठन है उनको हमारे आंदोलन के पैरेलल में खड़ा करने का प्रयास किया। कुछ दिन पहले सरकार ने कहा कि हरियाणा के 1 लाख किसानों का उन्हें समर्थन मिला है कृषि कानूनों के मुद्दे पर। जब हमने उनकी जांच पड़ताल की तो मालूम चला कि उसमें 116 एफपीओ के नाम दे रखे थे और उन एफपीओ का जमीन पे कोई हता पता नहीं था। उसके बाद यह कहा गया सरकार की तरफ से कि पंजाब के 3 लाख किसानों ने उन्हें समर्थन दिया, लेकिन जिन व्यक्तियों ने वो समर्थन देने की बात कही, जो सिग्नेचर लेके जाने की बात कही सरकार के पास, जब हमने उनका पता किया तो मालूम चला कि वो लोग ना तो किसान है ना किसान नेता है, वो बीज और दवाई बनाने वाली कंपनियों के लिए काम करते हैं।
तो सरकार इस तरीके का दुष्प्रचार करना बंद करे। ये आंदोलन शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहेगा और निश्चित तौर पे इस आंदोलन में देश के अन्नदाता की जीत होगी। धन्यवाद। राजेंद्र भाई को चैट करेंगे। राजेंद्र सिंह जी, कीर्ति किसान यूनियन पंजाब की तरफ। शुक्रिया सभी पत्रकार दोस्तों। अनाज नहीं तो समाज नहीं, सिर्फ एक बात सरकार को समझ लेनी चाहिए कि अनाज पैदा करने वाला किसान नहीं रहेगा तो सोसाइटी भी नहीं रहेगी। दूसरी बात कि लंबे समय से, पिछले लगभग जब से ये ऑर्डिनेंस आए हैं 4 जून से, तभी से आंदोलन का हमने रुख किया हुआ है और इतना पीसफुल आंदोलन इंडियन हिस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना बड़ा और इतना पीसफुल आंदोलन। अगर सरकार पीसफुल आंदोलन करने वाले लोगों की बात नहीं सुनती तो ये समझना चाहिए कि इस प्रकार क्या चाहती है। या वो चाहती है कि इस देश में पीसफुल आंदोलन करने वाले लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी और इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा राइट है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, उसके तहत आप कुछ भी एक्सप्रेस करो, सरकार उसे नहीं सुनेगी, तो सरकार देश को किस ओर ले जाना चाहती है, ये सारे देश के सामने सवाल। अगली बात, 1907 में शहीद आजम सरदार भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी ने एक आंदोलन पगड़ी संभाल जट्टा किया, पगड़ी संभाल जट्टा लहर चली और सभी लोगों की जबान पर वो गीत था पगड़ी संभाल जट्टा। पूरे 113 साल बाद इतना बड़ा आंदोलन हुआ है और ये आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, ये आंदोलन लगातार फैल रहा है और सरकार ने, जो पहले डल्लेवाल साहब ने बताया कि सरकार कह रही है कि ये पहले का सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, पंजाब और फिर का पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, नॉर्थ इंडिया का आंदोलन है, अब पूरे देश में फैल गया, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट होने लगे हैं और ये सरकार, मैं उस तरह का शब्द नहीं बरतना चाहूंगा, इतनी वो ढीठ है, कल को ये कहेगी ये तो सिर्फ धरती का आंदोलन है, मंगल ग्रह पर तो हो ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ एक प्लैनेट पर हो रहा है, किसी और प्लैनेट पर तो आंदोलन ही नहीं हो रहा, ये इस तरह के लोग हैं। इसलिए लास्ट बात ये कि सारा मामला फंसा हुआ क्यों है, मामला 3 कानूनों का नहीं, सरकार इसे 3 लॉज का मामला नहीं मानती। लॉज तो उन्होंने बहुत सारे निरस्त किए हैं, लेबर लॉज जो लोगों ने इतनी कुर्बानियां करके, इतने लंबे आंदोलन करके वो लॉज बनाए के अपने पक्ष में, उन आंदोलन उन लॉज की भी जान निकाल दी उन्होंने। अब ये 3 लॉज पर अड़े हुए हैं, इसका कारण ये है कि सरकार इसे मोदी औरा के साथ जोड़ कर दी। उनको लगता है कि 7 साल में जो एक नए माध्यम से ये सरकार को और मोदी जी को विनती करना चाहेंगे कि आप जिस इमेज को बचाने के लिए हमारी बात नहीं मान रहे, वो इमेज धाराशाही हो चुकी है। अंडरस्टैंड करना चाहिए आपको कि कितनी हेट्रेड है, स्प्रेड हो चुकी है आपके खिलाफ इस देश में, आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए और हमारे पीसफुल आंदोलन को मान्यता दीजिए और सभी हमारी मांगे मान लीजिए, यही आपसे हमारी दरख्वास्त। थोड़ा शुक्रिया। इसके बारे में आधा मिनट पूछिए। मैं आपके साथ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, भूल गया था, वो ये है कि अडानी अंबानी के खिलाफ जो हमारा गुड्स और सर्विसेज का बाइकॉट कॉल है वो जारी है, जारी रहेगा। नंबर 2, बायकॉट का जो कॉल है वो जारी रहेगा। दूसरा, एनडीए बीजेपी और उसके पार्टनर्स के खिलाफ पूरे देश में एक मुहिम हमारी कॉल से चला हुआ है, वो जारी रहेगा। ये कॉल के साथ कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ो, अपने पद छोड़ो
और किसानों के साथ, किसानों के जो मूवमेंट है उसके साथ आओ। तो ये दो कॉल्स मैं पिछले हफ्ते भूल गया था, ये हमारी जारी है। और पंजाब हरियाणा में टूल प्लाजे जो है, टोल प्लाजे जो फ्री किए हुए हैं, अगर आंदोलन आगे बढ़ेगा तो और भी ये आगे फैल जाएंगे। साथियों, आज की प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदुओं को मैं फिर समराइज कर दूं आपके लिए। आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, राष्ट्रीय मीडिया से इंटरेक्शन का कार्यक्रम हमने विशेष उद्देश्य से किया। लोग सोचते हैं, कई बार भ्रम फैलाया जाता है, कौन लोग हैं जो कि इतने बड़े आंदोलन को आयोजित करते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, बहुत व्यवस्थित आंदोलन है। अनुशासन बिना व्यवस्था के नहीं आता। पंजाब के 32 किसान संगठन हैं जो कि नियमित रूप से ऑलमोस्ट हर दिन मीटिंग करते हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला लेते हैं। पंजाब के अलावा देश भर के किसानों के प्रतिनिधि मिलकर कोई 100 साथी हर दूसरे या तीसरे दिन बैठक करते हैं, सिंगो बॉर्डर पे सर्वसम्मति से फैसला लेते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे इसका संयोजन और समन्वय करने के लिए 7 सदस्यीय समिति है जो कि आपके सामने बैठी है। अनंत मौला और शिव कुमार काका जी आज अनुपस्थित है, लेकिन ये समिति है जो कि कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। आपके मन में सवाल होगा कि भाई एक तरफ वार्ता चल रही है, दूसरी तरफ ये आंदोलन का कार्यक्रम कह रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रोपेगेंडा होता है, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो 50% मांगे मान ली गई की प्रचार है, ये बिल्कुल झूठ है। अगर मेरी भाषा में कहें तो अभी तो सिर्फ पूंछ निकली है, हाथी अभी बाकी है। और हमारे एक दोस्त ने कल कहा कि ये पूंछ भी हाथी की पूंछ है कि गधे की पूंछ है अभी हमें पता नहीं, क्योंकि जो दो छोटी बातें सरकार ने कल मानने की बात कही है 30 तारीख को, उसका लिखित स्टेटमेंट हमारे पास अभी भी नहीं है कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या माना। इस आंदोलन की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है, जो देख के दूर दूर से किसान आके इस सर्दी में एक महीने से पड़े हुए हैं, 3 कानूनों को खारिज करना, रद्द करना, उस पे सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। रद्द करने की बात ना करो और कुछ भी बात करो, एमएसपी की खरीद को कानूनी दर्जा देने की बात जो खुद मोदी जी ने 2011 में कही थी, उस पर सरकार मानना तो छोड़ो, सिद्धांत रूप में भी एग्री करने को तैयार नहीं है। पिछली मीटिंग में साफ कह दिया, इन प्रिंसिपल कमिटमेंट भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये किसान जो पिछले एक महीने से ज्यादा, अब तो आज 38वां दिन हो गया, यहां पे आए हैं, इस अवस्था में है, मैं तो कहता हूं कि पत्थर भी पिघल जाए ऐसे किसानों को देख के, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं पिघल। इसलिए आज मजबूर होके हम सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं। और अल्टीमेटम ये है, अगर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक हमारी ये बातें नहीं सुलझती हैं, मांगी नहीं जाती हैं, तो दिल्ली के तमाम जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों से किसान दिल्ली के अंदर घुसकर अपनी किसान गणतंत्र परेड करने के लिए मजबूर होंगे। हम दिल्ली के आसपास के तमाम किसानों से आग्रह करते हैं कि तैयारी कर लीजिए, अपने अपने ट्रैक्टर तैयार कर लीजिए, सब दिल्ली पहुंच। देश के जिस जिस किसान परिवार के लिए संभव है, सबसे अनुरोध करते हैं एक एक मेंबर आप अपना यहां पे भेजिए। जो यहां नहीं आ सकते वो अपना जिला स्तर पे, स्टेट लेवल पे, जहां जहां संभव है किसानों की गणतंत्र दिवस परेड निकाली। मगर 26 जनवरी तक हम खाली नहीं बैठे रहेंगे, 6 तारीख से 20 जनवरी तक पूरे देश में देश जागृति पखवाड़ा निकाला जाए, मनाया जाएगा, जिसमें पूरे देश में रैली आयोजित की जाएंगी, कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएंगी, ताकि सरकार का जो झूठ है उसका भंडाफोड़ हो सके। 13 तारीख लोहड़ी संक्रांति का दिवस है, उस दिन इस कानून को जला के किसान संकल्प दिवस मनाया जाएगा।
18 तारीख को इस देश में खेती में 70% काम करने वाली महिलाओं को याद करते हुए महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए आजाद हिंद किसान दिवस मनाएंगे। जो भी राजभवन है, जितनी भी राजधानी हो, उन राजभवन के बाहर जाके किसान बैठेंगे, अपना संदेश पहुंचाएंगे। साथियों, ये ऐतिहासिक जंग, ये संघर्ष सिर्फ ये तय नहीं करेगा कि ये तीन कानून रद्द होंगे या नहीं, वो तो होंगे, ये संघर्ष ये भी तय करेगा कि इस देश में भविष्य में खेती किसानी की क्या दशा होगी, इस देश में किसानों की औकात क्या है, उनका वजन क्या है, उनका महत्व क्या है, उसका फैसला इस संघर्ष से तय होगा। इस संघर्ष में हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस रिलीज की कॉपी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, आप सबको दे दी जाएगी। बांटना शुरू कर रहे हैं, सामने से न कीजिएगा, पीछे से कर दीजिए। और आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक एक करके हाथ उठा के, किसी विशेष व्यक्ति से आपका प्रश्न है तो उसका नाम लेके बोलिए, एक एक करके सवाल पूछ सकते हैं। राजीवाल जी, प्रश्न ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आपके अगेंस्ट आता है तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो कि सुप्रीम कोर्ट में एक नहीं कई मामले हैं। एक मामला है कि यहाँ के किसान बैठे रहे या नहीं, जिसके सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट बात कह चुका है, उसका सम्मान करते हैं। दूसरा है इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, बहुत लंबा मामला है, राज्यपाल जी इसको कुछ करें। ऐसा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं डाला है, सरकार ने ही अपने माध्यम से किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को इनडायरेक्टली अप्रोच किया है। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा उसके बाद हम बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। वी आर नॉट ए पार्टी टू दैट केस। ऐसे है, ये बार बार अपना स्टैंड बदलते हैं। पहली बार जब मोदी जी चुनाव जीत के आए, उस वक्त वादा किया इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को इन टोटो लागू करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट फाइल कर दिया कि अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करते हैं तो देश की इकोनॉमी सारी बिगड़ जाएगी, सब डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको लागू नहीं कर सकते। जब दोबारा इलेक्शन आई 2014 की, 17 की, तो उस इलेक्शन से पहले एकदम एक नया ही फार्मूला निकाल के कह दिया कि हमने इसको लागू कर दिया, और A2+FN का फार्मूला नया ही दे दिया जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में है ही नहीं। तो अब ये उसी बात को प्रचार किए जा रहे हैं। इन रियल सेंस इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर A2+50% का फार्मूला लागू करें तो बहुत सी समस्या हल हो सकती है। और इससे भी आगे जो भाई गुरनाम सिंह जी कह रहे थे, देखिए समस्या क्या है, मक्का 1850 MSP है, मार्केट में बिकता है 700 से 900 तक, उस MSP का क्या फायदा। मूंग की दाल आप लोग 100 रुपये के ऊपर खरीदते हैं, लेकिन किसान जब बेचता है उसको 2700 रुपये मिलता है, MSP 6000 है। सूरजमुखी उसका MSP 7800 कुछ है, हम बेचते तो 3700 में बिकता है। 1,00,000 करोड़ रुपया एडिबल ऑयल और दाल इंपोर्ट करने में तो खर्च हो जाता है, किसान को दाम नहीं दिया जाते, एक बात। दूसरी बात, ECA में जो अमेंडमेंट की है, हमारे देश का खपतकार तबाह हो जाएगा, जिस तरह से स्टॉक लिमिट कोई नहीं, जितनी छूट दे दी कॉर्पोरेट्स को, व्यापारी को, कोई बच नहीं पाएगा। ये इसीलिए हम कहते हैं ये आंदोलन सिर्फ किसान का नहीं, ये जन आंदोलन है, इस देश के वासियों का आंदोलन है, हर शहरी का आंदोलन है। हर शहरी का हम अभिनंदन करेंगे अगर वो जिस तरह से अब तक हमारे साथ हैं, इसी तरह हमारे साथ खड़े रहे तो। धन्यवाद। मैंने अब तक 5 हाथ नोटिस किए हैं, 2 वहां, आप और आप यहां, एक और उसके बाद पहले एक सीक्वेंस में 5 1 2 3
मीटिंग से। समझ नहीं आ रही। माइक दे दो, एक माइक दे दे। मैं दोहरा दूंगा, एक माइक दे दे। सवाल ये है कि पिछली मीटिंग में सरकार ने कहा था कि आप रिपील के अलावा कोई और अल्टरनेटिव प्रपोजल बना दीजिए और एक कमेटी बना दीजिए, इस पे आपका फाइनल स्टैंड क्या है? गाजियाबाद साहब माइक यहीं पे रखिए। वो पत्रकार मुझे आप करते हैं। तो हमने साफ कह दिया था कि रिपील के बिना हमारी मांग पूरी नहीं, हम समझते हैं, इसलिए हम तो रिपील करना चाहते हैं। जी एमएसपी पे जो कमेटी की बात है उस पे एमएसपी पे इन रियल सेंस वो बात करना नहीं चाहते। ये कमेटी वगैरह बना के वो बात को ढालना चाहते हैं। जो भाई गुरनाम सिंह जी कहते हैं कि सरकार भी नहीं खरीदती, कोई प्राइवेट व्यापारी भी खरीदता तो कम से कम एमएसपी के नीचे तो ना खरीदे, किसान को तो इंसाफ मिल जाए, और वो ये करने के लिए तैयार नहीं। जी हमने एमएसपी के बारे में उनको बोला था कि आप इन प्रिंसिपल एग्री करते हो एमएसपी दिया जाए एज ए लीगल राइट, वो नहीं माने इसके। और किसी भी कमेटी का कोई मतलब नहीं है जब तक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट ना हो कि कमेटी क्या करे। क्या जी आप मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ सर, समझ गया, समझ गया। मैं बाकी लोग बहुत बाकी लोग देख रहे हैं। सवाल इनका ये है कि आप कहते हैं कि ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो कानून है ये स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं, सेंट्रल के दायरे में आते ही नहीं है। अगर ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहे कि हम एक मॉडल कानून बना देते हैं तो आपका इसके क्या रिएक्शन होगा? ये सब मैं साफ करूं। रियलिटी ये है कि भारत सरकार ने पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करके स्टेट सब्जेक्ट्स में इंटरफियर किया है। अगर इस पे उनको वो जैसे वो कहते हैं अमेंडमेंट कर लो, इस पे रिपील शब्द ना इस्तेमाल करो और कुछ कोई अल्टरनेटिव बता दो, तो इसका मतलब है कि कानून तो मान लो। जब कानून मान लिया तो इनडायरेक्टली उनका हाथ तो पड़ गया ना स्टेट सब्जेक्ट में। तो आज एक है, कल को 10 कानून एकदम आएंगे, उनके लिए रास्ता खुल जाएगा, इसलिए हमारा विरोध है। एक मिनट इस बात को और भी ध्यान से मतलब सुनिए। क्या है, भूमि अधिग्रहण आया, विरोध हुआ, सरकार पीछे हटी, लेकिन जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार आई, राज्यों की सरकारों के जरिए वो कानून वहां पे लागू करवा दिया गया। ऐसे ही अगर ये कानून रहता है तब पूरे देश में अपने ढंग से अपने तरीके से वो लागू करवाएंगे। इसके लिए हमारा ये विरोध है कि ये कानून खत्म होना चाहिए। जो राज्यपाल जी ने कहा वो ठीक है। मैंने पहले जैसे कहा, हमने सरकार को बड़ा स्पष्ट कर दिया, वी वर पीसफुल, वी आर पीसफुल, वी विल बी पीसफुल। ये आज इसके आगे जब हम पीसफुल रहेंगे तो जैसे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है कि पीसफुल लोगों पे आप पुलिस फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर सरकार फिर भी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करना चाहती है उनकी इच्छा, लेकिन हम पीसफुल रहेंगे। धन्यवाद। नहीं, हमारा ट्रैक्टर और व्हीकल मार्च जो होगा, हम कतई भी इस कन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगे। उसका टाइमिंग और वेन्यू देखेंगे कैसे रखना है, इसलिए हमारी तरफ से कोई कन्फ्रंटेशन कब होंगे। कह रहे हैं कि हम आप सब
मुझे नहीं मालूम। कोई साथी क्लेरिफाई कर सकता है, क्योंकि आज सुबह से मैंने भी देखा एक वायरल हो रहा है एक मीडिया में, जिसमें राकेश टिकैत जी खड़े हुए हैं और पीयूष गोयल कह रहे हैं हमारे पास 40 की लिस्ट है, हम देख हमारा मुंह ना खुलवाओ। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है बातचीत का, अगर कोई साथी क्लेरिफाई कर सके? नहीं, हमको वीडियो मिलेगा तब हम बता सकते हैं। उसके आगे क्या है पीछे क्या है वो जानना होगा, एक ही बात से समय क्लियर नहीं होता। उनकी मुद्रा धमकाने वाली लग रही है, ये जरूर साफ है कि वो जो बाहर आके मीडिया में मीठी मीठी बातें होती है, हम सर झुका के नम्रता से वो सब वहां पे धमका रहे हैं, वो स्पष्ट हो रहा है। जी आपका सवाल। वो पूछ रहे हैं कि अभी दिल्ली के अंदर झंडे लगी हुई गाड़ियों को रोका जा रहा है, सब आप कैसे आएंगे? ये बात जरूर है, दिल्ली में भी हरियाणा यूपी गुजरात इतना बुरी तरह से दमन हो रहा है, लेकिन जैसा हमारे सीनियर साथियों ने बताया शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे, अहिंसा से आएंगे। गणतंत्र दिवस याद रखिए गण का तंत्र है, ये तंत्र का गण नहीं है, गण का तंत्र है। गण का मतलब किसान जो इस देश का गण है, जनता है। शांतिपूर्वक अहिंसक तरीके से हम रहेंगे। जी आपका सवाल है, उधर पीछे हिंदू से सवाल था। आपका तीनों को इस सीक्वेंस में ले लेते हैं। जी देखिए इसके बारे में करने के लिए भी प्लानिट डिक्लेयर इन द अनदर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारी चीजें अभी जैसा बताया आज 2 तारीख है, सारी चीजें डिक्लेयर करेंगे, झंडा किसका होगा, किस टाइम पे आएंगे, किस वेन्यू पे आएंगे, के लिए क्या बचेगा, सारी बातें करेंगे। याद रखिए ये सिर्फ सरकार का गणतंत्र दिवस नहीं है, हमारा गणतंत्र दिवस है, इस देश की जनता का गणतंत्र दिवस है। देखिए पहली बात तो ये 32 संगठनों ने और फिर पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन, ये 32 में नहीं है, ये अगले साथी 32 में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, पूरे ही संगठनों ने उस मीटिंग में उग्राहा भी थे, उस मीटिंग में पन्नू भी थे, उस मीटिंग में सब देश के संगठन थे, वहाँ इसको पास किया गया है
और आज हम उनसे लेके आए कि आज की प्रांत आपको याद होगा कल पीसी हुई, वो पीसी में हमने अनाउंस नहीं किया और सबने बोला कि आज नेशनल पीसी में ही हम इसको अनाउंस करेंगे, इसलिए यहाँ अनाउंस कर रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, अरे भाई जब हम इतनी दूर दूर से आ रहे हैं पीसफुली, हमारे लोगों के ऊपर इतनी पानी की बछौड़े अश्रु गैस रुपया क्या नहीं छोड़ा जा रहा, लोगों को गिरफ्तार, कोई अभी तक वायलेंट हुए हमारे लोग तब भी नहीं होंगे, हम भले हम ये आपके सामने कमिटमेंट करते हैं कि हम उस तरह का कोई एक्टिविटी एक्शन नहीं करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर स्टेट हम पर करती है उसको पूरा आप उछालो पूरी दुनिया और देश में, दैट इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू। लाउडर, यू हैव टू बी लाउड। नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा, बल्कि ऐसा हमने अभी सोचा नहीं, आगे आएगा मीटिंग में तो तय कर लेंगे। अभी गण का तंत्र बनाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़े तो बहुत हैरानी की बात है। थोड़ा सा लाउड होना पड़ेगा आपको। दो सवाल है, एक तो ये कि पैसों का बोझ कितना पड़ेगा। वैसे तो हमारे साथी गुरनाम सिंह जी ने उसका जवाब दिया था, लेकिन अगर उसमें कोई ऐड करना चाहे, गुरनाम सिंह जी ने कहा था कि पता नहीं क्या होता है कि सरकार जब किसान के लिए अपनी जेब में हाथ डालती है तो जेब खाली होती है, जब कॉर्पोरेट्स के लिए जेब में हाथ डालती है 5 लाख करोड़ निकल आते हैं, किसी और के लिए कई लाख करोड़ रुपए निकल आते हैं, तो जेब क्या अलग अलग है सरकार की, तो जवाब उसका दिया है उन्होंने। और दूसरा जो दूसरा था कि आप ऑल्टरनेटिव दीजिए, उसके बारे में अगर कुछ ऐड करना। ये अल्टरनेटिव ढूंढना सरकार का काम है, हमारा नहीं। हमने उनको बोल दिया था कि ये जो इतना दिमाग आपके पास है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने ये कानून बनाए, इनसे ही पूछो क्या है, हमें तो कानून वापस होने चाहिए, हम तो वहां तक सीमित है। तीन सवाल, 1, 2, 3 मैं और किसी को मिस तो नहीं कर रहा जी। अगर उसके बाद हुआ तो आपका सेकंड क्वेश्चन ले लेंगे, बस उसके बाद भी क्लोज। ठीक जी, आगे क्या हम किसानों की वेलफेयर के लिए कुछ एक अलग से सिस्टम बनाएंगे, ये पता करने के बाद आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। नेक्स्ट पूछा है, ये बार बार सरकार कहती है देखिए कृषि सुधार पेंडिंग थे, देखिए ये लोग खुद सुधार मांग रहे थे, अब सुधार आ गए तो अपोज करते हैं, सरकार ने मेरे बारे में करके कैंपेन भी चलाया हुआ है। सन 2017 में इन्होंने कहा था कि एपीएमसी में सुधार क्यों नहीं होता, अरे मैं तब नहीं आज भी कह रहा हूं, कृषि में सुधार होने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए, डिफॉर्म नहीं होने चाहिए, हमें दवा चाहिए, जहर का इंजेक्शन नहीं चाहिए। जो सरकार कर रही है ये कोई यहाँ पे नहीं कहता कि आज की व्यवस्था परफेक्ट है, बहुत अच्छी है, हम तो कह रहे हैं आज की व्यवस्था को और बेहतर बनाओ। हमारे साथी गुरनाम सिंह जी ने याद दिलाया देश का इतना बड़ा इलाका है जहाँ एमएसपी का फायदा नहीं हो रहा, उनको भी दिलवाओ, लेकिन सरकार तो जिनको है उनको वापस देने पर तुली हुई है। और जो दूसरा सवाल आपका था उससे था हाँ, पूछ निकल गई हाथी, देखिए हिंदी का वैसे मुहावरा है कि जब काम मोटे तौर पे बन जाता है तो हिंदी में कहते हैं हाथी निकल गया, आपको सिर्फ पूछ बाकी है। इस मामले में इस मुहावरे को उलटने की जरूरत है, अभी सिर्फ पूछ निकली है,
हाथी बाकी। अब ये क्यों कहते हैं, आप सब जानते हैं पहले दिन से जब हम लोग यहां से निकले, हमारे कई साथियों ने तो 6 महीना पहले आंदोलन शुरू किया था, कुछ 26 नवंबर को शुरू नहीं हुआ है। एक बात बार बार, 3 काले कानून रद्द करो, आपने सुन सुन के आपके भी कान पक गए होंगे, लेकिन सरकार के कान में नहीं घुसे, उसपे सरकार डस से मस नहीं हो रही। दूसरी मांग जो हमारी थी, हम क्या कह रहे थे कि ये जो जबरदस्ती गिफ्ट आप दे रहे हो ये मत दो, अपनी गिफ्ट वापस दे लो, हमें वो गिफ्ट दो जो हम अपने मुंह से मांग रहे हैं। वो क्या था, एमएसपी पे खरीद की लीगल गारंटी, उस पे सरकार ये भी कहने को तैयार नहीं है कि चलो इन प्रिंसिपल हम तैयार हैं, मॉडेलिटीज बाद में वर्कआउट कर लेंगे, इतना भी नहीं। तो ये जो दो मेन चीजें हैं उस पे सरकार एक इंच नहीं दे रही, और बाकी दो चीजों पे दे दिया तो कैसे 50% हो गए। लड़का खड़ा वो कौन है, आपकी सवाल उसके बाद आपका सवाल है, जल्दी हो गया समाप्त करिए अब सर। एक बस से अपने बॉर्डर पर क्या है शाहजहांपुर में, मैं क्योंकि वहां से था, मुझे जिम्मेवारी दी गई थी शाहजहांपुर का मोर्चा लगाने की। ये हमारे अपने साथी हैं, मैं इनको कोई आरएसएस बीजेपी नहीं कहता, हमारे अपने साथी हैं, उत्साही हैं, ज्यादा जोश में आए, और इतने दिन थक थक के लगता भी है ना लोगों को, एक और राउंड वार्ता होगी कि कुछ नहीं निकल रहा। सो अति उत्साह में ये लोग आगे थे, कमेटी ने स्पष्ट फैसला लिया था कि हमें अभी आगे नहीं बढ़ना, जब तक सेंट्रल फैसला नहीं होगा तब तक हम नहीं आगे बढ़ेंगे। हमने सर्वसम्मति का फैसला अपने युवा साथियों तक पहुंचा दिया था, फिर भी उन्हें लगा कि नहीं उन्हें आगे जाने की जरूरत है, उनसे हम बात कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह का आरएसएस बीजेपी वगैरह का नाम एटलीस्ट उन साथियों के लिए हम नहीं लगा रहे। बाकी दर्शन पाजी स्कॉल पर देखिए, इसके बारे में कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बात हुई है, हमारे आज साथी गुरनाम सिंह जी वहाँ जा रहे हैं, हमने ऑलरेडी वीडियो शूट की है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको हम हल कर लेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है, और वहाँ की लोकल कमेटी संयुक्त मोर्चा की कमेटी इसको रिजॉल्व कर लेगी। इस तरह की प्रॉब्लम जब लंबा संघर्ष होते आती हैं कभी कभी, हम जो लोग हैं ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि उसको वी रिजॉल्व इट पॉजिटिव। हमने स्पष्ट बताया है 26 जनवरी तक के सारे कार्यक्रम हमने बताए हैं, जिसका मतलब है जहां हम बैठे हैं वहीं से वो कार्यक्रम करेंगे। 26 अगर सफलता नहीं मिलती, अगर सरकार का यही अड़ियल रवैया रहता है, तो हमें मजबूर होके 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाने के लिए दिल्ली